दोस्तों, अगर आपके चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ चुका है, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, झाइयाँ हो गई हैं, तो मैं आपको करती हूँ 7 डेज चैलेंज, जो आपको 100% इफेक्ट देगा आपके फेस पे। इससे आपके चेहरे के काले दाग धब्बे, झाइयाँ सब दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन का कलर भी पहले से फेयर हो जाएगा। तो इस बेहतरीन से फेशियल को देखने के लिए सबसे पहले आपको मेरी 3 टिप्स फॉलो करनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में हमें सन टैन, अनइवन स्किन, पिगमेंटेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। स्पेशली पिंपल, एक्नी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इनको दूर करने के लिए पहले 3 चीजें आपको मेरी माननी पड़ेगी। तो अगर आप ये चीजें मानेंगे तो आपका फेशियल, जो आपको मैं बताने वाली हूँ, ये आपके चेहरे पर रौनक ले आएगा, इतना ज्यादा निखार ले आएगा कि खुद आप देखकर हैरान हो जाएंगी। पहली टिप है कि आपको विटामिन सी अपनी डेली डाइट में लेना है। इसके लिए चाहे तो आप एक नींबू का रस रोज निचोड़ कर पिए, या नींबू नहीं पी रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत एसिडिक है या सूट नहीं करता, तो आप डेली का एक संतरा या 2 संतरे जरूर खाएं। दूसरी टिप आपको देना चाहूंगी कि आपने डेली कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। 2 लीटर की बॉटल तो रखें अपने पास, ताकि आपको पता रहेगा कि 1 लीटर खत्म हुआ तो 2 लीटर आपको स्टार्ट करना है। इससे आपको रेशो कवर करने में इजी रहेगा। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पिए, क्योंकि इससे आपका शरीर फूलेगा और आपकी स्किन का कलर भी खराब होता है, पिंपल्स, एक्नी आते हैं। नॉर्मल वाटर पिए, फिर भी ज्यादा गर्मी लगती है तो जो घड़े का पानी होता है वो आप पी सकते हैं। और तीसरी टिप मेरी है, आप जब भी धूप में जा रहे हैं तो अपनी स्किन पर सनस्क्रीन जरूर लगाकर जाएं और कैरी भी जरूर करें, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी स्किन पे टैनिंग और पिगमेंटेशन में फर्क नहीं आएगा। जरूर आएगा, बहुत कम पिगमेंटेशन होती है। जब सनब्लॉक अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत प्रोटेक्ट होती है। और पिगमेंटेशन से ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है, आपकी स्किन पे समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि धूप की किरणें हमारी स्किन को काला तो करती हैं, साथ में बुढ़ापा भी बहुत जल्दी लेकर आती है। तो यहाँ पे मेरी खत्म होती है 3 टिप। अब रेमेडी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फेशियल की तरफ। इस फेशियल को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज करने वाले हैं मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर इजीली आपको रामदेव की डब्बी जो होती है, आप वो यूज कर सकते हैं, आप किसी परचून की दुकान से ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। ये जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं या आपकी स्किन पे जो झाइयों के मार्क्स हैं या झाइयां हैं, उनको दूर करता है। दूसरा, हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलमंड्स लिए हैं, उनका पाउडर बना लीजिए। आलमंड्स में होता है विटामिन ई, जो एजिंग के साइंस को रोकता है और आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है। मतलब आपको प्री मेच्योर एजिंग की समस्या नहीं होगी और आपकी स्किन जो अजीब सी मुरझा गई है ना गर्मी के मौसम में, वो एकदम खिली खिली नजर आएगी आपको, अगर आप इसको यूज करेंगे। तीसरा, यहाँ पे लेना है हमने गुड़। गुड़ क्यों लेना है, क्योंकि आजकल लोग जो है, गर्ल्स जो है, स्पेशली लेडीज है, वो ग्लाइकोलिक पील कराने जाती है। उससे क्या होता है कि उनकी जो स्किन का टेक्सचर सुधर जाए, लेकिन फिर भी उसका असर कुछ ही दिन तक रहता है, उसके बाद आपकी जेब का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सस्ता तरीका बताऊं तो गुड़ में नेचुरली ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन के अंदर जाकर उसकी डीपली क्लीन करता है पिगमेंटेशन को, और जितने भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको हील करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को अच्छा बनाता है। तो आप इसमें 1 चम्मच गुड़ का पाउडर ऐड करिए। और चौथा हमारा इंग्रेडिएंट है हनी। हनी क्या करता है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है। और पांचवी चीज हमने इसमें ऐड करनी है, 1 चम्मच खट्टे से खट्टा दही। जो खट्टा दही होता है वो आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, आपके दाग धब्बों को दूर करता है, पिगमेंटेशन के स्पॉट्स को दूर करता है। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, जो फेशियल स्टेप्स हैं। जैसे आप फेशियल स्टेप्स करते जाएंगे और जो इसके बाद निखार आएगा, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। स्टार्टिंग में अगर आपकी सारी समस्याएं फेस पे बहुत ज्यादा हैं, तो आप इस फेशियल को हफ्ते में 2 बार करें, और जैसे जैसे आपका स्किन का टेक्सचर सुधरता जाएगा तो आप 15 दिन में इस फेशियल को 1 बार करें। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी स्किन पर इसका क्या इफेक्ट रहा। हफ्ते में 2 बार के बाद ही, यानी 1 वीक चैलेंज, 7 डेज चैलेंज आपको मैंने बताया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा। ऐसा ही कुछ नया और बेहतरीन देखने के लिए मुझे यूं ही प्यार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।